उदित राज जी भी लगातार कई सारे संगठनों पे काम करते हैं और लगातार दिल्ली की रामलीला मैदान के अंदर भी उसको भरने का कार्य लगातार करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे उदित राज जी की राजनीति के ऊपर, तीखे प्रहार करते हैं विपक्ष के ऊपर? उदित राज जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको दिल्ली आना है और कोई जो ट्रेन पकड़े वो कलकत्ता की पकड़ ले, क्या वो दिल्ली पहुंच सकता है? आपने मन बनाया कि मुझे दिल्ली जाना है और आपने रास्ता चुना क्या कलकत्ता जाने का, बेंगलोर जाने का, तो क्या आप दिल्ली पहुंच सकते हैं? इसी कैटेगरी में जो नाम है वो उदित राज का भी है। इनका पहले नाम राम राज था, इनके माता पिता का दिया हुआ नाम जो है राम राज है। ये 1958 में इनकी पैदाइश है और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया, परास्नातक हैं। ये जो रेवेन्यू सर्विस है सिविल सर्विस की, उसमें भी चुने गए थे और ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे रहे। और इन्होंने क्या है कि इनको ऑनरेरी डिग्री मिली है 2003 में, कोटा का एक कॉलेज है उससे, तो इसलिए ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर उदित राज। और 2001 में इन्होंने अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया। ये बात थोड़ा गौर करने की है कि 2001 में डॉक्टर उदित राज ने, जो पहले राम राज थे, उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। और धर्म छोड़ने के बाद वो बुद्धिज्म को अपनाए और ये कह के अपनाए कि बुद्धिज्म को अपनाने वाले बाबा साहब थे, इसलिए मैं भी अपना रहा हूं। यानी कि वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते थे और इसीलिए वो बुद्धिज्म को अपनाया उन्होंने। इसके बाद 2003 में उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था इंडियन जस्टिस पार्टी। और इंडियन जस्टिस पार्टी, आपको पता है कि रामविलास जी की पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी और रामदास अठावले की पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले। इन सब लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नेशनल दलित फ्रंट, जिसके डॉक्टर उदित राज कन्वेनर भी थे। तो ये हमें सूचना मिली कि इसका पर्पज क्या है, जो नेशनल दलित फ्रंट ये लोग बना के इन पार्टियों का एक कोलिजन बनाए हैं, इसका पर्पज क्या है? तो हमें पता चला कि इसका पर्पज ये है कि बहुजन समाज पार्टी को रोकना। उदित राज का काम है कि बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकें और रामविलास पासवान जी का काम है कि बहुजन समाज पार्टी को बिहार में रोकें, और अठावले का काम है कि वो महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत होने से रोकें। तो ये जो इनका गठबंधन बना था, ये बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का गठबंधन इन्होंने बनाया था। और उसका असर क्या हुआ, इन तीनों लोगों ने बाद में बहुजन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आपको पता है 2014 में इन्होंने, उदित राज ने अपनी पार्टी को ही बीजेपी के हाथों में सौंप दिया और बीजेपी ने उनको जो है नॉर्थ वेस्ट की सुरक्षित सीट से टिकट दिया और ये जीत के संसद में गए। जी 2019 में जब टिकट नहीं दिया तो फिर बीजेपी छोड़ के ये कांग्रेस में आ गए। आजकल ये कांग्रेस के जो है महावत बने हुए हैं, कांग्रेस का दलित चेहरा बने हुए हैं। सवाल यही है कि जो बाबा साहब की बात करता है और अपनी पार्टी को बीजेपी जैसे मनुवादी दल में डिजॉल्व कर देता है, उसमें समाहित कर देता है केवल एक संसद बक्स में जाने के लिए, और एक संसद का टिकट पाने के लिए वो पार्टियां बदलता है, तो क्या ऐसे लोग बहुजन समाज या बहुजन समाज का भला कर सकते हैं या बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं? तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये लोग ज्यादातर जातीय बातें करते हैं, कास्ट एट्रोसिटी की बातें करते हैं। भाई कास्ट एट्रोसिटी की बात करने की जरूरत नहीं है। अगर कास्ट एट्रोसिटी की बात कर, अगर उससे आप चाहते हैं निजात पाना, तो मान्यवर साहब ने एक ही बात कही कि भाई कास्ट एट्रोसिटी उन पे नहीं होती है जो हुक्मरान होते हैं, और हुक्मरान तो आप दूसरों के कंधे पे बैठ के बन जाओगे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे।
इसलिए मान्यवर साहब आपने क्या कहा, ये हुक्मरानी हमारी अपने बलबूते आनी चाहिए, अपने विचारों से आनी चाहिए। तो आप जो है उदित राज जी का चाल चरित्र चेहरा जो मान्यवर साहब ने कहा है उसके तहत, जो बाबा साहब ने कहा है यूनाइट अंडर वन लीडर, इन्होंने किसको यूनाइट किया, अपना संगठन किसके पार्टी में विलय किया। तो जो समाज को डिवाइड कर रहा है वो कभी भी बाबा साहब के विचारों का अवाहक नहीं हो सकता। वो कभी भी धर्म कितना भी बदल ले वो कभी भी धर्म का वाहक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब मामला विचारों का खेल है और जो विचारों पे चलता नहीं है वो कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप किस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।